हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लिख कर आई हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, ग्वारफली की सब्जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्वारफली को बॉईल करेंगे। इसके लिए हमने फली को कुकर में डाल दिया है। आधा चम्मच करीब नमक डालेंगे और इन्हें बॉईल कर लेंगे। ग्वारफली बॉईल हो रही है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तेल में थोड़ी राई, बारीक करी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को भून लेंगे। तो प्याज हमारे भुन रहे हैं तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और तीनों को मिक्स करके हम इस मसाले को सब्जी में डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर बढ़िया से पका लेंगे। मसाले को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि इससे तेल सेपरेट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें बॉईल करी हुई ग्वारफली को डाल देंगे और इसे मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे बिना ढके 3 से 4 मिनट तक मसाले में ही पकाएंगे ताकि फली में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा फली में अच्छे से मिक्स हो गया है। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार और टेस्टी ग्वारफली की सूखी सब्जी सर्व करने को बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।